अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन को निरस्त किया जाए। ज्ञापन में लिखा गया कि कोविड-19 महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने संक्रमण की चेन रोकने के लिए शनिवार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। अब इसके गंभीर परिणाम व्यापार पर, व्यापारियों पर और सरकार के राजस्व पर पड़ने लगा है। ज्ञापन में कहा गया कि जब से प्रदेश सरकार ने शनिवार रविवार लॉकडाउन की घोषणा की है, तब से अब तक GST राजस्व में भारी गिरावट आई है, क्योंकि ग्राहक सप्ताह के आखिरी दिनों में खरीदारी करने बाजार नहीं आता। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई एवं बेकरी उद्योगों का लगभग 50% कारोबार शनिवार रविवार को होता है। मिठाई एवं बेकरी उत्पाद 2 दिनों के बाद सोमवार को खराब होने के कारण बेकार हो जाते हैं। ज्ञापन में कहा गया कि 2 दिन के लॉकडाउन का उद्देश्य बाजारों को सैनिटाइज करना है, लेकिन सिर्फ VIP क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश बाजारों को सैनिटाइज नहीं किया जाता है। सैनिटाइज पूर्व की भांति साप्ताहिक मंदी में किया जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि साप्ताहिक बंदी को लागू किया जाए, जिससे सरकार के राजस्व एवं व्यापारियों को हो रहे नुकसान को रोका जा सके। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा, जिसमें सरकार से मांग की है कि रविवार और शनिवार के लॉकडाउन को समाप्त किया जाए, क्योंकि सरकार ने रविवार और शनिवार का जो लॉकडाउन लगाया था वो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाया था, लेकिन अब इसके गंभीर परिणाम आ रहे हैं। व्यापारियों के साथ साथ सरकार को भी GST राजस्व में भारी नुकसान और भारी गिरावट हो रही है, क्योंकि रविवार और शनिवार का जो लॉकडाउन था उसमें मोहल्ले और बाज़ारों को जो है सैनिटाइज करना था, लेकिन कुछ VIP और चुनिंदा मोहल्लों को छोड़कर बाकी किसी भी एरिया में जो है वो सैनिटाइज नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो मिठाई बेकरी उद्योग है उसमें 50% बिक्री जो है वो शनिवार को हुआ करती थी, अब लॉकडाउन की वजह से जब 2 दिन बाद मार्केट खुलता है तो उनकी वो प्रोडक्ट जो उत्पाद है मिठाई का और बेकरी का वो खराब हो जाता है, जिससे नुकसान होता है। इसलिए हमने राज्य सरकार से मांग की है।